कोरोना वैक्सीन की शुरुआत दुनिया भर च हो चुकी है जिस च सब तो पहला फ्रंटलाइन वर्करा दा वैक्सीनेशन होना है पर इसे च लुधियाना विखे आशा वर्करा ने टीका लगाउण तो मना कर दिता है। उन्हां दा कहना है कि पहला सीनियर अधिकारी वैक्सीन लगवाणगे उस तो बाद हो टीका लगाउणगे। मामले संबंधी जानकारी दिंदे होए आशा वर्कर दे नेता जीत कौर दाद ने कहा कि आशा वर्कर कोरोना महामारी दौरान फ्रंटलाइन ते होके काम करदे रहे हन पर उन्हां नूं रेगुलर कर्मचारियों के मुकाबले सिर्फ 1500 रुपए महीना भत्ता दिता जांदा है जबकि सरकार वालों उन्हां दीआं मंगां नूं हर वार लटकाया जा रहा है। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि कोरोना वैक्सीन लोकां लई काफी फायदेमंद है। मेरा नाम जीत कौर दाद, मैं ऑल इंडिया आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर यूनियन की पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ। आप यहाँ पहुँचे आज क्या काम? हम आज इधर आए हैं, सिविल सर्जन साहब सर आए हुए हैं, मैं उनको मांग पत्र देने के लिए वहाँ पहुँची हूँ। कौन सा मांग? क्या मांग? हाँ, हमारी मांगे हैं छोटी छोटी सी, हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं है। तो जैसे COVID-19 की वैक्सीन आ चुकी है तो वो सबके लगवानी है, तो हमारी आशा वर्कर्स की तरफ से ये डिमांड है कि ये वैक्सीन पहले उच्च अधिकारियों को, सिविल सर्जन जैसे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सेहत मंत्री जी हैं और दर्जा बदर्जा जो मुलाजम हैं, मल्टीपर्पज वर्कर हैं, उनको पहले दी जाए, उसके बाद हम लोग लगवाएंगे। नहीं, बाकी तो अभी कुछ अधिक डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाई है, आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, संदेश गल जाएगा लोगों में? जी नहीं, ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है, लगवानी तो है, सभी ने लगवानी है। कुछ आज लगवा लेंगे, कुछ कल लगे, धीरे धीरे ये तो काम चलेगा, बंद तो होएगी नहीं, लेकिन जैसे सीनियोरिटी वाइज आएगा तो हम लगवाएंगे, लेकिन हम मना नहीं करेंगे, लगवाएंगे जरूर, लेकिन पहले हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको लगना चाहिए जो रेगुलर तनख्वाह ले रहे हैं। हम तो फ्रंट लाइन वर्कर, वैसे फ्रंटियर हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि वैक्सीन खा सके जो फ्रंट लाइन पर है, आप लोगों के संपर्क में आए हैं, आप लगातार कोरोना संक्रमित जो मरीजों में गए हैं, तो लगता नहीं इससे आपको नुकसान भी हो सकता है? अच्छी बात है, सरकार को जो पता चला कि हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, क्योंकि सरकार तो हमको मानती नहीं है। अगर सरकार को इतना पता चला है तो हमको 1500 रुपए देकर क्यों हमको बरगला रहे हैं? 1500 में कोई काम होता है? आप देखिए आजकल कितना खान पीन का जो दूध है उसका कितना रेट बढ़ गया है। हम 60 रुपए का एक किलो दूध लेते हैं और उससे हमारे घर का गुजारा चलेगा? 1500 में कैसे गुजारा करते? 1500 में हम लोग गुजारा कैसे चलेगा, घर का चलाएंगे? ये सरकार को अच्छी बात है पता चला तो सरकार हमारे बारे में सोचे और हमको रेगुलर करे, हमको तनख्वाह दे, हम काम करने के लिए भी तैयार है। जो सरकार की पॉलिसी आएगी वो हम बखूबी निभाएंगे। कुछ अधिकारियों से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी किसी अधिकारी से अब तक बात नहीं। अगला क्या कदम रहेगा? हम सिविल सर्जन साहब को मिलेंगे और अपनी बातें भी करेंगे, बताएंगे सारी बात, वो उनका क्या जवाब होगा, फिर वो हम आगे की रणनीति अपनाएंगे। ठीक। लुधियाना तो सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। जेकर तुसी दिमागी कमजोरी तो हो परेशान, जिवें याददाश्त कमजोर होना, डर लगना, उदास रहना, नींद ना आना या हर समय चिंता विच रहना, ता अज ही मिलो डॉक्टर ललित वर्मा नूं। पता नोट करो, वर्मा आयुर्वेद दवाखाना, नाइयां वाला चौंक, फगवाड़ा। फोन नंबर 9814446474, 9815446474। हर शनिवार डॉक्टर ललित वर्मा नूं सब्जी मंडी नेड़े पेट्रोल पंप नवां शहर मिलो।